सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने जनपद पंचायत सिहावल परिसर में किया धरना प्रदर्शन। अधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर एक सप्ताह में निराकरण का दिया है आश्वासन। सीधी जिले के सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल के द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर सिहावल जनपद पंचायत परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दरमियान हजारों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण तथा अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए। बता दें कि सिहावल SDM को सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि यदि एक सप्ताह में इन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो आगे चलकर और भी बड़ा आंदोलन होगा। बता दें कि इस दरमियान थाना प्रभारी अमिलिया, निरीक्षक अशोक पांडे, चौकी प्रभारी सिहावल, उप निरीक्षक भूपेश सिंह बैस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। बता दें कि इसी बीच जनपद पंचायत सिहावल उपाध्यक्ष मनोज सिंह चंदेल एवं जनपद पंचायत सिहावल मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल तिवारी के बीच में तू-तू मैं-मैं भी हुई है। बता दें कि इस पूरे विवाद को बीच में रोकने के लिए एवं निपटारा कराने के लिए सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल खुद कूद पड़े। विदित हो कि विभिन्न समस्याओं को लेकर सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने धरना प्रदर्शन किया था, जहां सिहावल SDM को उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि इसी बीच प्रदेश की सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया है तथा सिंगरौली जिले में सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस्य के बेटे के द्वारा आदिवासी युवक के ऊपर गोली चलाने वाले मामले को लेकर के भी निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करना भाजपा की संस्कृति बन गई है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल भाजपा की सरकार पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एवं धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है और उसमें सिहावल विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं है। बिजली की अघोषित कटौती, जले हुए सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफार्मर नहीं बदलता, केबल कटी टूटी पड़ी है, कहीं खंभा टूटा हुआ है, बिल्कुल मेंटेनेंस का काम नहीं कर रहे हैं, किसान बहुत परेशान है। इसी तरह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी PHE डिपार्टमेंट में भी इसी तरह का पूरी तरह से भ्रष्टाचार है और जो हैंडपंप खनन 3-3 महीने पहले हो गए उनमें सेट नहीं डला, लोगों को पानी पीने की सुविधा नहीं मिल रही है, जो खराब है मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, राइजर पाइप तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे, जो स्वीकृत है उनका खनन नहीं करा पाए, एक तरफ बारिश नहीं हो रही है, प्रकृति की मार अलग है और सरकार अलग मार रही है। ऐसे ही संबल योजना का पैसा बहुत दिनों से जनपद में नहीं आ रहा है, वो पंजीयन नहीं हो रहा है, 600-700 प्रकरण जनपद सिहावल में ही पेंडिंग है और दूसरी तरफ मामा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विकास यात्राएं निकाल रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे काम के लिए लोग परेशान है, DAP यूरिया खाद फुटकर में नहीं मिल रही है, काला बाजारी हो रही है। ऐसे बहुत सारे सार्वजनिक विषयों को लेके आज का जन आंदोलन था और अधिकारियों ने एक सप्ताह का MPV में सुधार के लिए समय दिया है, राजस्व के प्रकरण में भी नामांतरण बटरवारा सहित बहुत रजिस्ट्री हो गई, उनका नामांतरण नहीं हो रहा है, पुल्ली फाट नहीं हो रही है। तो जिस तरह का भ्रष्टाचार काला में जिस तरह का लापरवाही है, समय सीमा सुनिश्चित हुई है, अगर निश्चित समय सीमा में ये अधिकारी निराकरण नहीं करते हैं जो इनके स्तर का है तो आगे फिर बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। सत्य हमेशा जीतता है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। राहुल गांधी जी की जीत सत्यता की जीत है, सत्य हमेशा जीता है और वही राहुल गांधी जी को पुनः सदस्यता बहाल हुई है लोकसभा की और उनको माननीय न्यायालय ने जो राहत दी है उसके लिए माननीय न्यायालय का हम आभार प्रकट करते हैं और माननीय न्यायालय के प्रति जो लोगों की आस्था थी, जो विश्वास था, वो फिर से जिस तरह से वर्तमान सरकार ने न्यायालय को भी दबाव में डालने की कोशिश की थी उससे कहीं ना कहीं न्यायालय के प्रति आस्था फिर से लोगों की बढ़ी है और ये राहुल गांधी की जीत नहीं बल्कि पूरे देश के किसान, बेरोजगार, मजदूर, हर वर्ग की ये जीत है, शिक्षित बेरोजगारों की, महंगाई से निजात, जिस तरह की लड़ाई राहुल जी आज सबके लिए लड़ रहे हैं उन सब लोगों की ये जीत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। BJP विधायक के लड़के ने पहले भी वन कर्मियों के ऊपर भी गोलीबारी की थी, पुनः एक आदिवासी के ऊपर गोलीबारी की है, घायल किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो गई है आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को दबाने की, कुचलने की। पर ये जो इनकी
इस तरह की प्रकृति है, ये बहुत जल्द अंत होने वाला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और इस तरह के जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। करेंगे दोनों को मेंटेन, हमारे कार्यकर्ता हमारे मतदाता करेंगे। हमने 5 साल क्षेत्र की जनता की समस्याओं को निराकरण के लिए यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ी है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी ने जिम्मेदारी दी है, उसका हम निर्वहन करेंगे। सांसद जी ने जो टिप्पणी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उससे क्या कहेंगे आप? सांसद जी ने क्या टिप्पणी की थी, सांसद के बारे में कोई ज्यादा टिप्पणी करने का हम समझते हैं कि अगर कोई बुद्धिमान होता और अगर नैतिकता की राजनीति कर रहे होते तो वो किसके लिए टिप्पणी की, पूर्व विधायक के लिए की कि वर्तमान विधायक के लिए की, हम खुद ही नहीं समझ पाए।